जात के लिए सब मरता है, तो हम लोग तो फिर जात के लिए मरे थे। जितना फॉरवर्ड ये होगा एक बगल और बैकवर्ड एक बगल। कौन कौन अलग अलग कर रहा है? अलग अलग कर रहा है लेकिन होगा भविष्य में। युवा ढूंढ रहे हैं तो युवा में तो फिर अमर पासवान है ना? अमर पासवान है तो अमर पासवान उस लायक नहीं है। वोचहा के लिए उपचुनाव में कौन किसको वोट करेगा ये पूछ पाना बेहद ही मुश्किल है। कोई पार्टी पर चला जाता है तो कोई व्यक्ति विशेष पर चला जाता है, मुद्दे की बात कोई नहीं करता है। यहाँ पर चचा लोग देखिए बैठे हैं, कैसे हैं आप? हम लोग तो मलाह है, मुकेश को आदमी है, मुकेश को वोट देंगे। मुकेश के आदमी कैसे हो गए? आप तो अपनी लुगाई के आदमी होंगे। लुगाई क्या कहता है? मेहरारू मेहरारू नहीं, आदमी तो उसी का होता है। आदमी हो तो हमारा समांग है, हम उसको समांग है, भाई भाई है, भाई भाई है तो अच्छा वो समांग है मुकेश सहनी भाई है। हम लोग का लिए लड़ता है तो तैयारी है, जात है, जात है, जात के लिए सब मरता है, तो हम लोग तो फिर जात के लिए मरेंगे। कितने लोग जातीय पर करते रह गए, कहाँ उनका विकास हुआ? न विकास होगा, होगा न हाँ। अभी न होगा, भविष्य में देखा जाएगा हाँ। भविष्य के लिए लड़ रहा है जितना जो छोटका जो है हाँ। लालू प्रसाद लेखन यद्यपि बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अच्छा बैकवर्ड जितना फॉरवर्ड ये होगा हाँ। एक बगल और बैकवर्ड एक बगल। कौन कौन अलग अलग कर रहा है? अलग अलग कर रहा है लेकिन होगा भविष्य में हाँ। अच्छा भविष्य में हाँ, कहाँ अलग हो जाएगा सब? काहे होगा वो तो देखा जाएगा फिर है? समय आएगा तो अच्छा कौन बढ़िया? बढ़िया तो सब सब बढ़िया है, बाकी देश के लिए जो अपना जो आदमी को जहाँ जहाँ जो नेता है जो अपना अपना पार्टी में इधर उधर निकल के जो चल जाता है तो हम लोग अपना रिश्ता पर है, जगह पर है, तो हम लोग वोट वीआईपी के गिराएंगे, वीआईपी को गिराएंगे कि, अच्छा वीआईपी को कहाँ गिराएंगे? वीआईपी नेता नया जो बुजुर्ग आया है देश के लिए वो मर रहा है, तो हम लोग उनको जान के लिए पानी दे। तो नव युवक कहाँ से है? नव युवक कुमारी नव युवक है? गीता कुमारी नव युवक नहीं है, बच्चे नव युवक में आ गए, वह समझ गए नव युवक नहीं है, पर हम लोग के लिए अच्छा आदमी है। मुकेश नव युवक है ना, हम लोग का नेता है, सम्मानित नेता है, मुकेश सिंह उभरता चेहरा है, बिहार के मुझे भविष्य का नेता है मुकेश सहनी, इसलिए मुकेश का नेता कह रहे हैं। अभी कुर्सी बची ही नहीं उनकी, कुर्सी जा रही है, आज आइए तीन गया है, कल 40 आएगा, लेकिन आने वाला भविष्य मुकेश सहनी के दिखता है। कुछ ना कुछ होगा, मुकेश सहनी करके दिखाएगा। युवा ढूंढ रहे हैं तो युवा में तो फिर अमर पासवान है ना? अमर पासवान है तो अमर पासवान उस लायक नहीं है, उस लायक नहीं है। अमर पासवान कौन पहचानता है उसको? कौन पहचानता है? सही बात पूछा, उसको कौन पहचानता है? गीता कुमारी को कौन पहचानता है? उसको पहचानता है, पहचानता है उसने कि उस रामायण राम को बेटी के नाम से सब जानता है, एक दलित रामायण राम को जानते हैं ना आप लोग? रामायण राम को बेटी के नाम से गीता कुमारी को सब जानता है, इसके लिए उसको वोट दी, उसको सीट मिला है और उसका सीट जीत के ही रहेगा, चाहे जैसे जीते वो जीत जाएगा, तो जीत जाएगा, जीत जाएगा हाँ, पक्का जीत जाएगा। आइए चचा लोग इधर आ गए, का जी चचा जाल है? हमारा तो वही है, वे करे मछली मारने जा रहे हैं। अच्छा आप वही हैं जो वहाँ मिले थे होटल वहाँ पर, आप पहचाने चचा, और आप भी वही हैं? हाँ वही है। आप ये टोला है का आप लोगों का? हाँ पूरा टोला हम ही लोग। क्या नाम है टोले का? उधर उड़वा चमर टोली उड़वा कुमार बचे में पड़ता है। क्या हाल है उधर का टोली का? सब ठीक है, सब ठीक है, हाल चाल ठीक रहता है। चुनाव में यहाँ पूरा मुकेश सहनी का बहुत ठीका ले लिया, रुक तो मुकेश सहनी का सब आदमी इधर में हाँ टोटल। अरे कोई प्रचार करने अबे नहीं किया, आप आदमी हो गए आएगा ना उसका मुकेश जी के हाँ, तब ना उसी का इधर होता है, दूसरा का नहीं होता, लेकिन रहेंगे मुकेश में हाँ। मुकेश जिस दिन हम मिले थे उस दिन तो अमर पासवान केवल छोड़ के भागे थे, अमर पासवान, अब तो तीन और भाग गया, अब पता नहीं मुकेश सहनी का अपना कुर्सी बचेगा कि नहीं। कल का अमर पासवान जो भगल है वो ठीक कल का हमारा भविष्य के नेता का ठीक कल का हाँ, संग छोड़ के ठीक कल हाँ ठीक कल का ना, तो और कष्ट हो हमरा जादे। बहुत ही अच्छा किया है, नहीं तो सीट गिर जाता, फिर सीट बहुत अच्छा किया है, भाग गया है, वो अपने आप काम खराब किया है, अपने आप अपना काम खराब किया है। का जी पगड़ी चचा आइए आइए आइए, का नाम है? चंदेश्वर सहनी। चंदेश्वर सहनी सहनी, अच्छा सहनी समाज से आप भी है तो किसको? हम लोग सब वीआईपी जिंदाबाद है हाँ, सब वहाँ तक जाएंगे, सब वीआईपी के हम लोग हैं। 22 16 मझौली है, 22 16 बोचा है,
वहाँ जाइए वीआईपी जिंदाबाद वीआईपी, इसके बदला कुछ कोई नहीं कुछ उस पर जाएंगे वीआईपी के सब वोट देंगे इस पर से उस पर जाए पूरा वीआईपी सब हर घर में हर बच्चा वीआईपी वीआईपी कर रहा है। रीता भाई तू कनवा तो बोला तेरा माइक ओ साइड है का हो जी। हमको नाम श्याम कुमार राम हुआ समझे, हम वीआईपी का समर्थन करते हैं और अच्छा, वीआईपी का समर्थन राम जी लोग काहे कर रहे हैं रमई राम की वजह से? जैसे सर हमारे बिहार में एससी कास्ट का रमई राम नेता है, रमई राम जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग पूरे बिहार के हरजन कास्ट का रमई राम को वोट डालेंगे। अच्छा वीआईपी से नहीं लेना देना है लेकिन रमई राम जी से लेना देना है? नहीं वीआईपी पार्टी तो टिकट मिला वीआईपी से, मतलब वीआईपी मायने नहीं रखता है, अगर रमई राम जी किसी और पार्टी से आते तो आप रमई राम जी के साथ? जी रमई राम जी के साथ साथ पूरे बिहार का महादलित है, हम लोग सब मिलकर वीआईपी के पार्टी से हम मेरे नेता रमई राम जी ज्वाइन किए हैं, सब पूरे बिहार के नेता पूरे बिहार का जनता जो है एससी कास्ट का सब वीआईपी का ही वोट जाएगा, का ही वोट जाता है का ये वोटर हैं कजी भैया अभी वोटर हैं? हम भी वोटर हैं। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र राम। धर्मेंद्र जी आप भी इसी टोले से आते हैं का? रामदास मझौली एक नंबर वार्ड मेरा घर है। अच्छा का हाल है उपचुनाव को लेकर विधायक वाला? विधायक वाला हम लोग मुकेश सहनी के आदमी है रहेंगे। आप राम जी हो के मुकेश सहनी का कैसे आदमी हो गए? रमई राम मेरा आदमी अच्छा, नेता रमई राम की वजह से तो हम उसी में न रहेंगे। हाँ। कहाँ जाएंगे रमई राम कहे हैं कि आप उसी में रहिए पूरे को शुरू से रमई राम का जोर है, जहाँ रमई राम जाएंगे तहाँ हम लोग हैं। रमई राम जी को तो आरजेडी वाला टिकट हो नहीं दिया गेटों के भीतर दिया था हमको मुकेश सहनी टिकट देता, मुकेश सहनी के हम लोग आदमी है। अच्छा एक बात बताइए तेजस्वी ने रमई राम जी को किसी जमाने में रमई राम जी लालू के कुर्सी बगल में लगवा के बैठते थे आज घर में नहीं घुसने दे रहा है? उस दिन बुलवा दिए वहाँ लेके टिकट नहीं दिए तब जाके वहाँ मिले मुकेश सहनी से, मुकेश सहनी टिकट दिया। इसका बद खमियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। हाँ आरजेडी को लगता है दम लगता है तेजस्वी को भुगत, एक दलित पूरे बिहार में लग रहा है जे उसको तेजस्वी को भुगतना पड़ेगा, जितना महादलित है सब वीआईपी गरीब गुरबा करती रहती है उसको छोड़िए ना, हमारे बिहार में जो है ना महादलित का भी वीआईपी की ही वोट जाएगा पूरे बिहार में। हम लोग हम लोग नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते क्या जानते हैं? बात सही कहे हैं आप जानबे नहीं करते हैं तो ये बतिया कैसे पता चला सही कह रहे हैं? जो भी बात एकता होता है एकता एकता होता है जो भी ये करेगा वही हम करेंगे। अच्छा एकता वाली बात है अति पिछड़ा के लेके चलेगा उसी नेता को हम लोग वोट देंगे और मुकेश सहनी जैसा ही आदमी को देंगे ठीक है। जो अति पिछड़ा से भर के जा रहा है अति पिछड़ा का जो काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। क्या चाचा हो गया हम लोग बोल लिए कहिया अभी बोले थे काम जो हुआ था वीआईपी के आदमी है। अच्छा वीआईपी के आदमी है पता है ना मुकेश जी के साथ जो हो रहा है वो तो देख भी देखिए रहे हैं ना, आरजेडी वाला समर्थन दे रहा है ना नीतीश बाबू बोल रहे हैं, बीजेपी घात पर घात कर रही है, लोग छोड़ के बार बार जा रहे हैं तो हम वो लोग ना छोड़ दिए, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, वो छोड़ दिया आप नहीं छोड़ेंगे, हम लोग नहीं टिके रहेंगे। चलिए ये कौन सा टोला है चाचा? रामदास मरौली भट्टा। रामदास मरौली भट्टा का यह इलाका आता है और बोचहा वार्ड नंबर एक ना एक नंबर वार्ड का। यहाँ पर राम जी लोगों की संख्या के साथ साथ सहनी समाज भी यहाँ बसता है और यहाँ से हम ये खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि इस टोला का क्या हालचाल है, क्या और किस मुद्दे के साथ लोग जाकर के मतदान करने वाले हैं, किसको अपना हीरो मानते हैं, किसको अपना ये लोग नेता मानते हैं। इस खबर में इतना ही, आगे खबरों के लिए अपने रहे हमारे साथ। नमस्कार।